Welcome to Ram Greeting Reputation Alliance. हमारा छठा पेज है गैलरी। हमारा छठा पेज है गैलरी। इस वीडियो में ये दिखाया था कि सब बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे थे और कैसे बिना वजह का पुलिस आया और सब बच्चे को पीटने लगे। देखो आप ये वीडियो देखे। देखो सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखो कैसे पुलिस वाले आए और सब बच्चे को पीटने लगे और एक बच्चे का आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे जो मीडिया में आया था और एक बच्चे की आग भी फोड़ दी गई। जागरूक लोग जो संविधान को पूरी से लागू करवाने के लिए और सभी लोगों को की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी दिलाने के लिए प्रयासरत है। पहला जस्टिस कर्नल जस्टिस चन्ना स्वामी स्वामीनाथन कर्नल है और ये विश्राम वामन है। ये वीएल मार्टन है। रंजीत चौधरी है, इन्होंने ही ये वेबसाइट बनाई थी। ये केकेएल गौतम साहब है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। ये वेड प्रकार जी है। ये लीडर ऑफ इंडिया है। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये दिलीप मंडल जी है, ये पृथ्वी राज है। ये सत्री बाई बोई फूली है। गुजर लोकेंद्र है और शंभू कुमार है। ये दस्त चलाते हैं। ये अशोक ज्ञानी है। ये तुलसी यादव जी है। ये हार्दिक पटेल जी है। ये युदर कोशिश ये यू अपेंडर कुशवाहा है। ये हाँ हेमंत सोरेन है। ये ओम प्रकाश रेबर है। और ये मिक्यूश सहानी है। मिकीश सहानी है। लालू यादव जी है। ये शरद यादव जी है। रतन लाल जी है।
ये अशुद्धन ओविशी है, ये चंद्रा स्केहर है, चंद्र स्केहर है, ये श्री विश्वाल प्रसाद निषाद है, ये सूर्य यादव मंडल है, ये यूष मंडल है, ये यूष उमेश मंडल है, जो जो 30-30 40-40-50 पर वोट भी जीते, हमें बधाई देते हैं। ये जेनस मेविनी है, महत्वपूर्ण से संवैधानिक एक कानूनी बुद्धि स्लोगन बैंटर नारे कोटेशन आदि, मैं सारे बताऊंगी फिर काफी समय लगेगा, इसलिए मैं कुछ कुछ बता देती हूँ। मैं ये बताती हूँ, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ, ये बताती हूँ। हम पिछड़े हैं तभी हम पिछड़े हैं, अगर हम मिल जाएंगे अनुवादी हिल जाएंगे, बताती जैसे बताती ये बताती हूँ। ये बुद्ध भगवान ने कहा था, बोला था कि मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कुछ उम्मीद लगा के रखना कि मैं कोई चमकदार करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा, तथा महामानव गौतम बुद्ध। जैसे ये बताती हूँ, बच के रहो धर्म के ऐसे ठेकेदारों से, पहले ये आपको भड़काएंगे, फिर उसका आएंगे, फिर आपके हाथ में पत्थर बंदूक देके खुद पीछे हट जाएंगे। ये बताती हूँ, किसी मुल्क को बार बार करना हो तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, मुल्क अपने अपने आप बार हो जाएगा। ये बोलती हूँ, ये जहाँ भी जाते हैं वो अपने आप को बोलते हैं, वो जैसे कभी राम जाते हैं तो अपने आप को राम बोलते हैं, कभी जैन, कभी टीचर, कभी कभी सैनिक, कभी नानक, कभी पठान, कभी कभी मौसम वैज्ञानिक, कभी कभी चाय वाला, और बहुत सारी चीजें। गैलरी के बाद अबाउट पेज है, अबाउट पे क्लिक करते हैं। लोकतांत्रिक पत्नी निरंतर गठबंधन के बारे में है,
लड़ाई करने को परो समाज बदलने को। भारत का संविधान भारत के लोगों ने भारत में समानता स्थापित करने के लिए बनाया। भारत की सोच शक्ति अपने पास रखते हुए तनखवा देकर भारत के संविधान में के हिसाब से काम करने के लिए सेवकों की नियुक्ति की। लेकिन यह देखा जाता है कि जिन सेवकों को संविधान के हिसाब से काम करने हो के लिए तनख्वाह दी जाती है उसमें से कुछ सेवक भ्रष्टाचार करते हैं और देश की संपदा पदा और संस्थाओं को बेचते हैं। इन्हें देशद्रोहियों की वजह से भारत के सभी समुदायों को और जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। भारत की सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए तथा भारत का संविधान को पूरी तरह लागू करवाने के लिए भारत के सभी जातियों और समुदायों को पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन और संस्थान बनाने के लिए जरूरत है। भारत के सभी जाति और समुदाय के लोग पार्टियां लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन का हिस्सा बनकर तथा भारत के संविधान की शक्ति लेकर अपने जाति और समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी कर प्रतिनिधित्व दिलान कर तथा देश को भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों से बचाकर एक सशक्त देश का निर्माण करे। आप ये चार वीडियो है आप देख सकते हैं।